अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल, और ये बनाने के लिए आप सबसे पहले एक देगची लेंगे, उसमें पानी डालें और नमक डाल के उसको हिला लें, और उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा चिकन जो हमने बॉईल करना है। चिकन को बॉईल करने के लिए आपने ऊपर रख दिया है। अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और चिकन के ऊपर जो हमारे झाग आई थी वो हमने रिमूव कर दी है। साथ में आपने एक दूसरी अलग देगची में 3 बड़े साइज़ के आलू लेने हैं और उसको बॉईल कर लेना है। चिकन बॉईल हो गया जी, उसके बाद हमने हड्डी अलग कर ली है। आप यहाँ पे बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, तो चिकन का हमारे पास नहीं था तो हमने ये यूज़ कर लिया। अब हमने इसकी हड्डी सारी अलग कर ली है और चिकन को श्रेड कर लिया है, और जो जिस चिकन को जिस पानी में हमने बॉईल किया था वो यखनी बन गई थी तो उसको हमने अलग रख लिया। इसको भी अब हम यूज़ करेंगे। यखनी के अंदर आपने 2 चम्मच बड़े जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं, और इसको हिला के एक साइड पर रख लेना है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। जो हमने आलू बॉईल किए थे उसको आपने ग्रेट कर लिया अच्छे से। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे गिल्टियाँ नहीं होंगी उसके अंदर। अब आप एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर ऑयल डाल के उसमें हम प्याज डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का जो हमने काटा था। इसको सौते कर लेंगे अच्छे से। जब ये हमारा प्याज नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर ग्रेट की हुई हमारी गाजर डाल देंगे। आप गाजर को चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने बंद गोभी डाल दी है जी, और हमारा जो चिकन हमने श्रेड करके रखा था वो इसमें डाल देना है, और इसको अच्छे से हम पकाएँगे। अच्छे से सारी सब्जियां पकाएंगे ताकि आपकी जो सब्जियां हैं वो नरम हो जाएं। अब हम जी इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्चियां आप थोड़ा कम रखिएगा, बाकी नमक आप हंसवे जाएगा। और इसको फिर स्पाइसेस को आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद जो आपने यखनी वाला और कॉर्नफ्लोर वाला वो स्लरी बना के रखा था इसको हम डालेंगे जी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट हम उसको पकाएंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और ये करते हुए आपने इसको जल्दी जल्दी चम्मच को हिलाना है, और फिर इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डालें और ग्रेट किया हुआ आलू डाला है जी, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जी बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं इसमें। ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका घर में भी हमने आपको सिखाया है, वो आप दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप नमक चेक कर लें, अगर कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं अभी भी, और इसको फिर हम बाद में शेप्स दे लेंगे। आप शेप जिस तरह मर्जी दे सकते हैं जी। यहाँ पे मैंने बॉल्स बनाई हैं छोटी छोटी, आप इसको कबाब की तरह या फिर स्क्वायर शेप जैसे भी आपको पसंद है आप दे सकते हैं। इस तरह से आप सारी जो है मसाले को हमने बॉल्स की शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पे मैदे और पानी का एक मिक्सचर बना के रखा है, उसमें आप इसको एक कोट कर लेंगे, और एक कोटिंग इसकी लगाने के बाद आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर करेंगे जी। इस तरह से सारी बॉल्स को आप कोट करके फ्रीज भी कर सकते हैं जिस तरह हमने अभी ये बनाया। अभी हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे। एक पैन में आपने ऑयल लेना है, और इसको गर्म करने के बाद इसमें हमने सारी बॉल्स जो हैं वो डाल देनी है, क्योंकि ये मिक्सचर पहले से ही सारा पका हुआ है तो इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई होने में। अब इसको आराम से आपने हल्के हाथ से इसकी साइड्स चेंज करनी है ताकि आपकी ये जो हैं बॉल्स ये टूट ना जाए। आराम आराम से इसकी साइड्स चेंज करके, और देखें जो कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। जब सारी साइड से इस तरह गोल्डन कलर आ जाएगा इसका मतलब ये बन गया, पक चुका है। तो इसको आपने आराम से जो है जी निकाल लेना है, और ये सर्व होने के लिए अब रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसको आप केचप के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।